पिछले कुछ दिनों से वीडियोस में जो कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें र ड न ण और कुछ लोगों को स को बोलने में दिक्कत होती है, वो स को फ बोलते हैं या फिर फ बोलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं अक्षरों को लेकर आपको बताऊंगा कि इनका उच्चारण सही कैसे हो सकता है। पहले भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार मैं कुछ एक एनिमेशन के जरिए, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको इसे और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा आसान तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, इसका फर्क महसूस कर पाएंगे, ताकि आपको उच्चारण करने में हमें किस अंग का इस्तेमाल करना है वो आप समझ सकें। सबसे पहले न और ण को लेकर बात करते हैं। न और ण, देखिए आप अलग अलग तरह से इनको लिखा जाता है। जैसे एक तो होता है नल, उसमें न आता है, और दूसरा होता है प्रणाम, अणा, ये अणा है। तो इन दोनों का उच्चारण अलग कैसे है, किस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये आप समझ के चलिए कि ये हमारा मुंह है। आप देख पा रहे हैं ऊपर के दांत, ऊपर का तालू, नीचे के दांत, नीचे का तालू, और होठ जो आगे बने हुए हैं। और अब बात करेंगे जीभ की पोजिशन के। जीभ की पोजिशन में न और ण का उच्चारण करते वक्त कहां पर उनका इस्तेमाल होता है, कहां उनको टच करना है या किस तरफ ले जाना है, ये आपको मैं आज बताने वाला हूं इस एनिमेशन के जरिए। न का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो न में हमारी जो जीभ का अगला हिस्सा है वो टच होता है हमारे ऊपर के जो दांत होते हैं, या फिर हम ये कहें कि ऊपर का जो तालू वाला हिस्सा होता है, तालू के सबसे अगले वाले हिस्से से, जहां से वो ऊपर के दांतों से टच होता है, या फिर हम कहें कि मसूड़े वाला हिस्सा, उसके पीछे वाला हिस्सा हम कह सकते हैं इसे, यहां से जब हम जीभ को टच करते हैं तो न का उच्चारण होता है, न, ठीक है। और जब न की बात आती है, ण, ण में क्या है कि जीभ को थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करना है, और जहां पर अभी हमने न के लिए टच किया था जीभ को, उससे थोड़ा और पीछे की तरफ चले जाएं, वहां से जीभ को बेंड करते हुए आगे की तरफ उसे फेंकना है। जीभ को बेंड होगी और फिर आगे की तरफ सीधी करेंगे जीभ को पलटते हुए, ण, ण, फर्क समझे आप, न, ण, न में सीधी जीभ टच होती है और ण में जीभ थोड़ी सी पीछे की तरफ मुड़ती है, फिर उसके बाद झटके से उच्चारण करते हुए आगे की तरफ उसे फेंका जाता है। तो ये तो हुआ न और ण का। अब बात करेंगे र और ड की। कुछ इलाके ऐसे हैं भारत के जहां पर र को ड बोला जाता है, जैसे बकरी को बकड़ी बोलते हैं, उनको उच्चारण में दिक्कत आती है, र और ड का फर्क वो नहीं समझ पाते हैं। तो अब मैं आपको र और ड का एक एनिमेशन के जरिए, एक ग्राफिक के जरिए आपको फर्क बताने की कोशिश करूंगा। ये वही मुंह का हमारा हिस्सा जो मैंने आपको पहले बताया था। अब र की बात आती है, र के लिए हमें ये करना है कि जो जीभ जो हमने न के लिए टच की थी, न र, जीभ को लेकर जाना, लेकिन टच नहीं करना, उसके बीच में से हवा पास होनी चाहिए। रर, आप कई बार देखते हैं गेम्स खेलते हैं हम रर, इसका उच्चारण करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जीभ वाइब्रेट होती है, वो टच नहीं होती। यहां पर हमको वाइब्रेट तो नहीं करना, टच भी नहीं करना, लेकिन उसे थोड़ा सा दूर रखते हुए उसका उच्चारण करना है, र र न र। देखिए आप, दोनों में हल्का सा फर्क है। और ड की अगर हम बात करें, ड में हल्का सा जीभ को रोल करना है पीछे की तरफ, टच होगी और हल्का सा पीछे की तरफ रोल करना है, लेकिन टच वही होगी जहां न में टच होती है, न ड न ड। इसमें थोड़ा सा फर्क यह भी है कि न का उच्चारण हम इस हिस्से से करते हैं और ड का उच्चारण हम थोड़ा गले के और निचले हिस्से से करते हैं, न ड न न ड न ड न ड। टच वही होगी एक ही जगह पर, लेकिन हल्का सा ड में थोड़ा सा बेंड देते हैं जीभ को और इसका उच्चारण ड निकलता है, र ड र ड, ठीक है। ये फर्क है। अब बात करेंगे स और फ की। कई लोग स को बोलते हैं फ, मुझे फन जैसे काम है, मुझे फार्म को घर जाना है। फ और स दोनों में अंग ही अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं। स की बात करें तो स में हमारी जो जीभ का अगला हिस्सा है उसे थोड़ा सा पीछे के हिस्से की अगर हम बात करें तो उसे हवा पास होते हुए निकलती है और वो दांतों के अंदर रहता है। देखिए आप कहां पर, स स। लेकिन फ में जीभ का कोई इस्तेमाल नहीं है और जो हमारे होठ हैं वहां से हवा पास होती है और फ का उच्चारण होता है। स में जीभ का इस्तेमाल होता है, लेकिन फ में हम
होठों का इस्तेमाल करते हैं और हवा को बाहर की तरफ फेंकते हैं। ये सा और फ का फर्क है। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप इस वीडियो के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा आसान होगा, क्योंकि हम लोगों के बीच जब बैठते हैं, परिवार में बैठते हैं या फिर हम इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो अगर हमारा उच्चारण ही सही नहीं होगा, गलत उच्चारण होगा, तो हमें आगे काम करने में या फिर लोगों से बात करने में, अगर इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद अगर आया है आप तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो आप आगे आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसे हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन के जरिए अपने आप आपको इसकी जानकारी मिल जाए। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सभी के जरिए मैं वीडियोस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वो आम लोगों से पहले इन लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी मैं कई ऐसे वीडियोस हैं जो सिर्फ जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के लिए बनते हैं, आम लोग उनको नहीं देख सकते, कुछ खास वीडियोस होते हैं। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, या फिर आप कुछ आने वाले वक्त में किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।